नमस्कार, पुष्पांजलि वेदांग पीठ में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे श्रोता ग्रामीण अंचल में हैं, जो बड़े प्रेम से वास्तु की कक्षाओं को देखते हैं। उनमें से एक श्रोता ने हमें फोन लगाकर बताया कि हम मकान के बारे में वास्तु की बात करते रहते हैं, शहरों के लिए काम का है, लेकिन ग्रामीण अंचल में मकान के अलावा साथ साथ में पशुओं की व्यवस्था भी होती है। तो पशुओं के ऊपर कोई ऐसा अभिभाषण दें, उसका शास्त्रीय प्रमाण दें कि हमें गायों को, बैलों को, भैंसों को मकान की किस दिशा में बांधना चाहिए, उसके शास्त्रीय नियम क्या है। हमें बड़ी खुशी हुई कि कृषि श्रोता ने इस बात पर हमें ध्यान दिलाया, तो हमने काफी अनुसंधान करके दक्षिण भारत की एक जो प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है मनुष्यालय चंद्रिका, उसमें पशुओं के संबंध में बहुत स्पष्ट लेख मिला। मनुष्यालय चंद्रिका इस प्रकार से है, ये मनुष्यालय चंद्रिका पुस्तक है, ये शास्त्र है, दक्षिण भारत का बहुत प्रसिद्ध शास्त्र है। दक्षिण भारत में जो भी अनुसंधान हुए वो मनुष्यालय चंद्रिका में है। मनुष्यालय चंद्रिका मतलब होता है मनुष्यालय, यानी कि मानव मनुष्य के लिए रहने के लिए मकान। इसके अलावा इनकी एक देवालय चंद्रिका भी है। देवालय चंद्रिका केवल देवालय बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए उपयोगी है। तो मनुष्यालय चंद्रिका के सप्तम अध्याय के श्लोक क्रमांक 33 और 34 में पशुपालन के बारे में स्पष्ट निर्देश दिया है और उसके शास्त्रीय नियम बताए गए हैं। आइए अभी हम उनका उल्लेख करते हैं कि हमारे लिए पशु कहाँ पर बांधना चाहिए, गौशाला कहाँ होना चाहिए मकान से। हमारा यदि प्लॉट बड़ा है, खेत में है, तो हमारे मकान से किस दिशा में गौशाला बनाई जाना चाहिए, और गौशाला बनाने के बाद गौशाला से जो पशु हैं, गौ हैं, उनको किस दिशा में बाहर निकलना चाहिए, इसके संबंध में भी बिल्कुल स्पष्ट निर्देश किया गया है। आइए समझते हैं। मनुष्यालय चंद्रिका सप्तम अध्याय श्लोक क्रमांक 33। इस श्लोक क्रमांक 33 में गौशाला बनाने के लिए इस प्रकार से वास्तु देवताओं के नाम दिए गए हैं। पहले वास्तु देवता है पर्जन्य, दूसरे हैं जयंत और तीसरे हैं इंद्र। इन तीन स्थानों पर हमारे लिए गौशाला बनाना चाहिए। ये तीन स्थान समझते हैं अपन कि ईशान कोण है ये और ये पूर्व है। तो ईशान कोण से लेकर के पूर्व के बीच का जो पूरा स्थान है, इस पूरे स्थान में हमारे लिए गौशाला बनाने की शास्त्रों में आज्ञा दी गई है। इसके बाद दूसरा स्थान है पूसा वितथ, इन दो स्थानों में गौशाला बनाने के लिए आज्ञा दी गई है। पूसा और वितथ ये दक्षिण और अग्निकोण के बीच के स्थान हैं। ये देखिए दक्षिण का स्थान है यम का और अग्निकोण, ये स्थान इससे सभी परिचित हैं। तो अग्नि और यम यानी दक्षिण और अग्नि कोण के बीच के जो दो स्थान हैं, ये हमारे लिए गौशाला के लिए श्रेष्ठ कहे गए हैं। इसके बाद पश्चिम में आइए। पश्चिम में वरुण, पुष्पदंत, शोष ये और दौवारिक, ये चार स्थान गौशाला के लिए हैं। उत्तर की दिशा में गौशाला बनाने का निर्देश इसमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसके बाद श्लोक क्रमांक 34 में भी एक विशेष नियम बताया गया है।
34वें विशेष नियम क्या बताया गया है कि गौशाला का निर्माण इस प्रकार हो कि गौएं जब बाहर निकलें तो कोणीय सूत्र मतलब ईशान कोण, नैऋत्य कोण, अग्नि कोण, वायव कोण, ये कोणीय सूत्र मतलब रस्सी रज्जु, यानी कि ब्रह्म स्थान से किसी भी कोण की ओर ले जाने वाली जो रेखा है इसको जो है रस्सी भी कहा गया है। इस रेखा के को काटे ना मतलब गाय इस प्रकार से बाहर निकले कि जो कोणीय रेखाएं हैं, कोणीय रज्जु हैं, इनको पार करते हुए न जाएं, इनको पार नहीं करना है, उनको क्रॉस न करें, जैसे कि गाय चली गौशाला से और बाहर निकलना है तो ये कोणीय रेखा को पार करते हुए लांघते हुए न जाए, ये एक विशेष नियम बताया गया है। तो गौशाला इस प्रकार से बनाए, मान लो परिजन में गौशाला बनाते हैं तो गाय यहीं कहीं बाहर निकल जाएगी, यहां पर ये रेखा को क्रॉस नहीं करेगी। यहां गौशाला बनाते हैं जयंत का पूरा क्षेत्र है मान लो, ये वाला परिजन का पूरा, यहां कहीं भी गौशाला बनाते हैं तो गौशाला का दरवाजा बाहर की ओर रखें कि ये जो है इस रज्जू को क्रॉस ना करे। इसी प्रकार से ये जो वितथ और पूसा के स्थान है, ये पूरा क्षेत्र यही है पूसा का, केंद्र से आप ले लीजिए ऐसे, ये पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में गौशाला इस प्रकार बनाए, इसका मुख्य द्वार गौशाला किस प्रकार बनाए कि ये जो है बाहर के बाहर यहीं से गायें बाहर निकल जाएं, इससे ना तो ये सूत्र और ना ये सूत्र कोई भी सूत्र क्रॉस ना हो, इनका लंघन ना हो। इसी प्रकार से दो बार एक पुष्पदंत, वरुण और शोष, इन स्थानों में गौशाला बनाई जा सकती है। इस प्रकार से बनाए कि गायें जो है सीधे के सीधे बाहर की ओर जाएं, इन सूत्रों को या इन रेखाओं को क्रॉस ना करें। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण नियम है, ये ग्रामीण अंचल में आसानी से संभव भी है, क्योंकि ग्रामीण अंचल में जो खेत में मकान बनाते हैं उनकी बागड़ जो होती है चारों तरफ काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, तो पशुओं के लिए इस प्रकार से निकालने की व्यवस्था बनाई जा सकती है कि किसी प्रकार से भी कोणीय रज्जू, कोणीय सूत्र, कोणीय रस्सी, ये कोणीय रेखा, चारों बात एक ही है, इनको किसी प्रकार से लांघती हुई गाय बाहर न निकले। तो ये तो हो गई गौशाला का। अब जो है यदि भैंस है तो भैंस के लिए क्या निर्देश है, भैंस के लिए केवल एक स्थान बताया गया है, वो है यम का स्थान, यानी दक्षिण, ठीक दक्षिण में जो है भैंस बांधने का स्थान होना चाहिए। ये यम का जो स्थान है वो हमने यहां भी लिखा है कि भैंस जो है हम एक ही स्थान है उसके लिए यम का स्थान, इस यम के स्थान में भैंस बांधने का निर्देश हमारे शास्त्रों में लिखा है। इसके अलावा यम के स्थान पर बैल भी बांधे जा सकते हैं, और बैल वहां भी बांधे जा सकते हैं जहां पर ये गांव के स्थान है। तो हमें यहां भेद क्या है, भेद यह है कि यम के स्थान पर हमें गाय नहीं बांधना है, ये स्पष्ट हुआ। इसके अलावा यहां बैल बांधा जा सकता है और भैंस केवल और केवल यही बांधना है, ये हमारे शास्त्र की आज्ञा है। इस प्रकार से हमें बड़ी खुशी हुई, पुनः इस बात को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने हमें ध्यान कराया कि हमें गौशाला किस प्रकार से बनाना चाहिए और किस स्थान में बनाना चाहिए, किस देवता के स्थान बनाना चाहिए, ये आशा है कि उनको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया हो, कोई प्रकार का संदेह हो, तो वो हमें यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके और अपना प्रश्न रख सकते हैं, हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अन्य जो भी जानकारी आप चाहते हो वो भी यहाँ कमेंट्स बॉक्स में लिख देवें, और उस जानकारी के अनुसार हम अनुसंधान करने का प्रयास करेंगे, और जहाँ जो कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ मिलेगा वो शास्त्रों का प्रमाण के साथ में हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय राम जी की।